मछली पकड़ने गए एक युवक घोघरा नदी में गल निकालने गया तो पानी के बहाव में बह गया है। गोताखोरों ने शव की तलाश की लेकिन नहीं मिला शव। पारिश्रमिक के समय घोघरा पेंच नदी में एक युवक मछली पकड़ने गुरुवार दोपहर को नदी किनारे गया था। मछली के लिए जाल नदी के पानी में डाला और वही जाल पेंच नदी के पानी में अटकने शेषराव शेंडे उम्र 35 साल पेंच नदी के पानी में उतरा। वही उसका पाव फिसलने से युवक पानी के बहाव में बहते हुए पानी के डोह में जाने से शेषराव की मृत्यु हुई है। गुरुवार की दोपहर पेंच नदी किनारे मछली पकड़ते समय गल पानी में अटक गया था, मगर जहां गल फंस गया था वहां पर गहरा पानी था। पानी का अंदेशा ना होने से शेषराव पानी के बहाव में डूबते ही रहा। तभी एक मछुआरे को शेषराव दिखते ही वह उसे बचाने के लिए गया, दो बार कोशिश भी की पर वहां पर डूब होने से शेषराव पानी के अंदर जाने से वह बच नहीं पाया। पेंच नदी में पानी होने से नदी में पानी का बहाव अधिक था। शेषराव का शव गोताखोरों ने तलाश करने से भी नहीं मिला। शाम तक स्थानीय गोताखोरों ने मृतक का शव ढूंढने की कोशिश की पर शव नहीं मिलने से गोताखोर भी हताश दिखाई दिए। पारिश्रमी यहाँ के घोघरा नदी पर आज दोपहर को एक युवक जिसका नाम शेषराव शेंडे था वो यहाँ पर मछली मारने के लिए आया था, मगर उसका जो गल था मछली पकड़ने का वो पानी में अटकने से उसको निकालने के लिए वो पानी में उतरा। उसी समय उसका घटना की जानकारी तहसीलदार पुलिस विभाग को दी गई है। शव की तलाश करने के लिए टीम बुलाए जाने की जानकारी मिली है। खबर लिखने तक मृत युवक का शव नहीं मिला था। इन बीसी न्यूज के लिए पारिश्रमिक से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।